सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज का वीडियो होने वाला है गर्ल्स के ऊपर एसएससी जीडी 1600 मीटर से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा कॉल, बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रहा था और बहुत लोग शिकायत कर रहे थे, बहुत जो हमारी बहनें हैं शिकायत कर रही थी, बहुत लोग जो हमें फॉलो करते वो शिकायत ये कर रही थी कि सर आप गर्ल्स रिलेटेड वीडियो नहीं बनाते हैं। तो आज आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हूँ कि गर्ल्स आप किस तरह से 1600 मीटर को 8:30 में जो आपका मांगा गया है आराम से क्या क्या टिप्स आप फॉलो करें, क्या क्या गलतियाँ आप ना करें, क्या डाइट टिप्स आप फॉलो करें, सारा कुछ इस वीडियो में आपको बारीकी से समझाने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर होगा लेकिन इन्फॉर्मेशन में आपको कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा या फिर मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ankit_04, वहाँ पे कमेंट कीजिएगा, वहाँ पे मैसेज कीजिएगा, मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। अगर ज़्यादा क्वारी रहेगा तो मैं वीडियो ही बना दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सारा कुछ बताने वाले इस वीडियो में और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाले हैं, उसका भी जवाब जरूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारा पहला टिप्स से रिलेटेड। सबसे पहला टिप्स और सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जिसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं वो ये है कि गर्ल्स को ज़्यादातर बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है, जो हमारी बहनें हैं या फिर जो हमारी दोस्त हैं, हमारी साथियां हैं, जो आप जो भी मान लो, बड़ा भाई मान लो, छोटा भाई मान लो, ठीक है, वो गलती वो करते हैं कि ग्राउंड जाते हैं और अपना वर्कआउट स्टार्ट कर देते हैं। बहुत लोगों को ये पता ही नहीं होता कि वार्म अप नाम का भी कोई चीज़ होता है, वार्म अप भी करना होता है। तो आप वार्म अप कीजिए, आप ग्राउंड आए, एक डेढ़ चक्कर चलिए, दो चक्कर एकदम स्लो स्लो धीरे धीरे दौड़िए और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज कीजिए और उसके बाद आप अपना मेन वर्कआउट स्टार्ट कीजिए। बहुत लोग वार्म अप करते ही नहीं, जिसके कारण क्या होता है कि रनिंग के दौरान इंजर्ड हो जाते हैं, कभी मसल्स खींच जाता है, कभी लिगामेंट में इंजरी आ जाता है, कभी आप जो एफर्ट लगा नहीं पाते हैं, बहुत जल्दी सांस फूल जाता है, तो ये कुछ समस्या होने लगती है। और वार्म अप के बाद अपना वर्कआउट कीजिए और वर्कआउट के बाद आप अच्छे से कूल डाउन और स्ट्रेचिंग कीजिए। कूल डाउन और स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी इसलिए हो जाता है कि आप वर्कआउट किए घर चल गए, जो आप वर्कआउट के बाद आपका मसल्स में दर्द रहता है तो आप जब स्ट्रेचिंग करते हैं तो वो दर्द भी ठीक होता है और आपका मसल्स का लचीलापन बढ़ता है, जिसके कारण आपका स्ट्राइड लेंथ हो चाहे स्पीड हो वो डेवलप्ड होता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर से फॉलो कीजिए। मैंने वार्म अप के ऊपर, कूल डाउन के ऊपर, स्ट्रेचिंग के ऊपर, तीनों के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, आप जाके चेक कीजिएगा। वहाँ पर मैंने वार्म अप कुछ ज़्यादा बताया है, बॉयज़ के अनुसार बताया है, तो आपको उतना ज़्यादा वार्म अप करने की जरूरत नहीं है। आप एक डेढ़ चक्कर चलिए, दो चक्कर स्लो स्लो दौड़िए और उसके बाद कुछ एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, एक दो स्ट्राइड लगाइए। स्ट्राइड क्या होता है? स्ट्राइड का मतलब होता है कि बॉडी पोजीशन को सही रखकर 50 से 60 मीटर का स्प्रिंट लगाइए, ठीक है, बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, 70-80% अपने बॉडी का लगाना है। ये हो गया हमारा पहला टिप्स जिसको आप फॉलो कीजिए। जब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टिप्स की ना, तो बहुत लोगों को रनिंग किट अच्छे तरीका से पता नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, कुछ भी पहन के ग्राउंड आ जाते हैं और रनिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके कारण बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फील होता है और बहुत बार रैसेज आ जाता है, इसके कारण रनिंग बहुत अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो रनिंग किट में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले एक अच्छा रनिंग शूज़ ज़रूर से लेना है। एक अच्छा रनिंग शूज़ अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत दिन तक हेल्प करने वाला और जो आप इंजरी होने वाले आगे इंजरी को सेव करता है, जो आपको पैरों में तकलीफ होने वाली है, आपके नी में तकलीफ होने वाली है। देखिए, रनिंग स्टार्ट की है, तकलीफ तो होगा लेकिन तकलीफ को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर मुझे कोई सस्ता 800-700 के आसपास कोई रनिंग शूज़ मिलता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मारूंगा, आप जाके वहाँ से खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो। नहीं तो आप कैंपस वगैरह का, स्पार्क वगैरह का रनिंग शूज़ आता है, नहीं तो कोई भी आप जाके दुकान से रनिंग शूज़ ले सकते हैं, मैंने शूज़ के ऊपर वीडियो बनाया है, आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं। साथ ही साथ आप एक शॉर्ट्स लीजिए। अगर आपको ऐसा दिक्कत होता है कि ग्राउंड में बहुत लड़का है, बहुत भीड़ है, तो शुरू में आप टाइटी पहन सकते हो, उसके बाद शॉर्ट्स में आ जाइए। कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई शर्माने वाली बात नहीं है, बहुत आगे जा चुका है इंडिया और इंडिया की गर्ल्स भी, कोई दिक्कत समस्या नहीं। आप देखे होगे इतने सारे हमारे जो एथलीट है, चाहे हिमा दास हो चाहे दूती चंद हो, इतना नाम रोशन कर चुकी है, बहुत बहुत इंटरनेशनल जगह मेडल भी लगा चुकी है, तो इतना ज़्यादा कोई घबराने वाली आपको दिक्कत नहीं है। कोई आपका जो गोल है उसके प्रति आप फोकस रहिए। और बात करते ऊपर का, तो ऊपर आप टी शर्ट लीजिए, अंदर जो पहनते हो पहनिए अपना, उसके बाद अच्छा रनिंग शूज़, उसके बाद आप जो अपना बाल है, बाल को अपना जो यहाँ पे गोल बना के रखते हो वो कर लो, नाखून अपना काट लो, ठीक है, अभी फैशन को भूल जाओ। अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो पहले स्पोर्ट्स जैसा दिखना स्टार्ट करो, ठीक है, आप ग्राउंड जाना स्टार्ट करो अच्छे तरीके से, अच्छे रनिंग किट में जाओ। ये हो गया हमारा दूसरा टिप्स, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इन सारा चीज़ आप अभी नहीं कीजिएगा लेकिन बाद में आपको करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि जींस पहन के जाए या फिर सलवार सूट में गए और रनिंग कर लिए। कुछ दिन आप जींस वींस में कर लिए एक दो दिन, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाए कितना दिक्कत समस्या होता है। तो आप कम से कम शॉर्ट्स लीजिए, टी शर्ट लीजिए और आप रनिंग करने जाइए, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा टिप। जब हम बात करते हैं हमारे तीसरे टिप्स की ना, तो रनिंग फॉर्म पे आपको थोड़ा फोकस करना है। देखिए, शुरू में आपका रनिंग फॉर्म बहुत अच्छा नहीं होगा, बहुत अच्छा जो आपका रनिंग पोस्चर होता है एकदम मस्त नहीं हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ गलतियाँ जो लोग करते हैं कि शुरू से ही आप जो रनिंग का जो आपका लैंडिंग होता है आपके पैर का, वो टो पे बहुत ज़बरदस्ती करती हैं या फिर एड़ी पे एकदम करती है। तो आपको शुरू पे ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको शुरू में क्या करना है, पूरा पैर रख के दौड़ना है। जब आपके लेग में स्ट्रेंथ आ जाएगा, जब आप स्प्रिंट खींचेगा
दौड़िएगा तो खुद ब खुद वो टो पे आने लग जाएगा। लेकिन अगर आप शुरू से ही टो पे दौड़िएगा तो काफ जो आपका जो पिंडली का मसल्स है ये वाली, ठीक है, ये वाली टाइट हो जाएगा। तो ये आपको नहीं करना, आपको पूरा पैर रख के दौड़ना है और आपको रनिंग पोस्चर पे थोड़ा फोकस करना है। आपको पूरा हिल डोल के नहीं दौड़ना है, आपको गर्दन को हल्का स्ट्रेट रखना है, आपको शोल्डर को रिलैक्स रखना है, बैक को ना बहुत ज़्यादा आगे कर लेना ना बहुत ज़्यादा पीछे कर लेना है, ना टेढ़ा करना है, हल्का सा आप आगे डाउन होइए और पैर का मूवमेंट तिरछा उरछा नहीं ले आने का कोशिश करना है। ये जो मैं आपको बताऊँ स्ट्राइड आप हर दिन लगाइए वार्म अप के बाद, उस दौरान अपने बॉडी पोस्चर को थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा टिप्स, बॉडी पोस्चर से रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ, जाके चेक कीजिएगा। जब हम बात करते हैं हमारे चौथे टिप्स की ना, तो वह ये है ब्रीथिंग टेक्निक। रनिंग के दौरान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ये होती है कि आपको सांस कैसे लेना चाहिए। बहुत सारी गर्ल्स को ये दिक्कत होता है कि रनिंग के दौरान सांस कैसे लेना चाहिए। तो मैंने वीडियो भी बनाया है सांस कैसे लेना चाहिए, और मैं आपको अभी ये समझाने वाला हूँ कि देखिए रनिंग के दौरान आपको सांस कैसे लेना चाहिए। जिस तरह से अभी मैं बोल रहा हूँ आपको रिलैक्स उसी तरह करके रनिंग करना है। बहुत लोगों के दिमाग में ये रहता है कि मुंह बंद करके रनिंग करना है, तो आपको मुंह बंद करके रनिंग नहीं करना। जब हम रनिंग करते हैं तो हमारा बॉडी का ऑक्सीजन का डिमांड ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारे बॉडी को। तो आपको मुंह से भी सांस लेना है, नाक से भी लेना है। नाक तो आपका खुला ही रहेगा, लेकिन मुंह को भी साथ साथ आपको खुला रखना है। नाक से आप 60-70% सांस लीजिए और मुंह से आप 30% के आसपास सांस लीजिए, और कोई फिक्स नहीं है, आप दोनों से सांस लीजिए, दोनों से छोड़िए, ठीक है। ये आपका कन्फ्यूज़न जो होगा मुंह को बंद करके दौड़ना है, तो ये चीज़ें एकदम नहीं करना। आप जितने भी नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर को देखोगे सबका मुंह खुला रहता है, और मुंह से भी सांस लेते हैं और नाक से भी लेते हैं। आपको अगर ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप कभी स्प्रिंट लगाइए, 80 मीटर 100 मीटर 200 मीटर दौड़िए एकदम, और उसके बाद अचानक से रुकिए और मुंह बंद रखिए। देखिए मुंह बंद नहीं रख पाए क्योंकि हमारा बॉडी ऑक्सीजन ज़्यादा डिमांड करता है, जल्दी जल्दी सांस लेने लगेगा। या फिर कहीं आप डूबते हैं तो आप देखिए कि आप चाह के भी मुंह बंद नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा डिमांड करता है, मुंह और नाक दोनों से हमारा बॉडी ऑक्सीजन जल्दी जल्दी लेता है। तो रनिंग में भी ऐसा ही होता है, रनिंग एक बहुत हार्ड एक्सरसाइज है, हमारा बॉडी ज़्यादा ऑक्सीजन का डिमांड करता है, इसीलिए नाक और मुंह दोनों से आप जब ऑक्सीजन लीजिएगा, एयर लीजिएगा, तभी आपका ऑक्सीजन का पूर्ति पूरा होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चौथा टिप्स। अब बात करते हैं हमारा पांचवा टिप्स से रिलेटेड। जब हम बात करते हैं हमारे पांचवे टिप्स की ना, तो बहुत सारी लड़कियां ये गलती करती है कि जो एडवांस रनर्स हैं ग्राउंड में उनका बराबरी करने लगते हैं, या फिर शुरू में ही बहुत ज़्यादा रनिंग कर लेते हैं और डीमोटिवेट हो जाते हैं, जाके अपने घर में सोचने लगते हैं कि हमसे नहीं होगा, बिस्तर पर पड़ जाते हैं, सोचते सोचते ग्राउंड आना बंद कर देते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करना है, आपको स्लो स्टार्ट करना है, स्लो स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे अपना जो है इंटेंसिटी को, धीरे धीरे अपना ड्यूरेशन को, धीरे धीरे अपना एक्टिविटी को बढ़ाते जाइए, ठीक है, तभी जाकर आपका जो गोल है वो अचीव हो पाएगा। एक ही दिन आप ज़्यादा कर लिए तो अगला दिन आपका दर्द हो जाएगा और आप डिमोटिवेट हो जाइएगा और सोचिएगा कि मेरे से इतना हो नहीं पाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, स्लो स्टार्ट कीजिए, लेकिन कंटिन्यूस धीरे धीरे लगे रहिए, ये चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई लड़की एक दिन दो दिन चार दिन बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाती है और पाँचवा छठा दिन ग्राउंड अपसेंट करने लगती है तो उसका रिजल्ट देखने को आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो लड़की कंटिन्यूस धीरे धीरे ही लगी रहती है, ठीक है, एकदम धीरे धीरे लगी रही है, रेगुलर रहेगी, कंटिन्यूटी रहेगी, तो उसका रिजल्ट जरूर आएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप ग्राउंड आओ, आपको 15 मिनट 20 मिनट वर्कआउट करो और पूरा जम के करो, ये चीज़ नहीं करो। आप आधा घंटा 40 मिनट वर्कआउट करो, स्लो करो, स्लो डाउन करो, धीरे धीरे जब आपका जो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस डेवलप्ड हो जाएगा, आपका स्टेमिना धीरे धीरे इंप्रूव होने लगेगा, तो आप धीरे धीरे बढ़ाओ ना, धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाओ, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये हो गया हमारा पाँचवा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे छठे टिप्स की ना, तो कोशिश कीजिए कि ग्रुप में रनिंग कीजिए। ग्रुप में रनिंग करने से क्या बेनिफिट होता है, देखिए मैं एकेडमी तो नहीं गर्ल्स का खोला हूँ, बॉयज़ का मेरे पास है, SSCED के बॉयज़ के मेरे पास 50 से ज़्यादा बच्चे हैं, ठीक है, और ओवरऑल 80-90 बच्चे हैं अभी रिसेंट में बता रहा हूँ। लेकिन गर्ल्स का मेरे पास सुविधा नहीं है, लेकिन जो आसपास लड़कियाँ रहती हैं, मेरा एकेडमी जैसा कि आपको पता होगा झारखंड के रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, सिरका में है, पहले कुज्जू में था, अब सिरका में, लेकिन जो आसपास की लड़कियाँ वो आती है, तो अगर अब भी आसपास है, अगर आना जाना आप खुद कर सकते हो तो आ सकते हो, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है हॉस्टल का, क्योंकि अभी नया मैं शिफ्ट किया हूँ लोकेशन, तो दिक्कत समस्या नेक्स्ट ईयर से मे बी हो जाए, ठीक है। तो आप कोशिश कीजिए ग्रुप में दौड़ने का, ज़रूरी नहीं है आपको कोई एकेडमी ही ज्वाइन करना है। आप क्या कर सकते हैं कि दो तीन आपका दोस्त है, कोई अच्छा वर्कआउट निकालिए कहीं से, अगर वर्कआउट का दिक्कत है तो हमसे ले लीजिए, नहीं तो मैं वीडियो भी बना दूंगा अगर आप डिमांड करोगे नेक्स्ट कैसा कैसा वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है। तो दो तीन आप मिल लिए, साथ में वर्कआउट कीजिए, इससे क्या होगा कि आप डिमोटिवेट जो होते हैं वो नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आपका एक फ्रेंड, आपका जो एक फ्रेंड है वो रुक जाता है तो आप मोटिवेट कीजिएगा, और आप रुक जाएगा तो वो मोटिवेट करेगा, जिसके कारण क्या होगा कि मतलब तालमेल से वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा और मोटिवेशन मिलेगा, साथ ही साथ जो है
अकेले करने से अच्छा है कि आप दो तीन लोग मिलके कीजिए, या फिर दो भी लोग हैं तो काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, दो लोग भी अगर आपको मिल जाता है तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। अगर आप अकेले भी हैं तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल नहीं कर सकते, उसके लिए आपके पास दृढ़ निश्चय होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए और आपको अपना वेल डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको फॉलो करना, ये हो गया हमारा छठा टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारा सातवें टिप्स की ना, तो वो ये है कि रोड रनिंग को अवॉइड करना है। मुझे पता है कि ज़्यादातर फिजिकल जो होता है वो आपका रोड पे होता है, लेकिन फिर भी रोड रनिंग आपको शुरू में अवॉइड करना है। शुरू के 10 दिनों 15 दिन 20 दिनों में आपको रोड रनिंग एकदम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपका मसल्स, आपका लिगामेंट अभी उतना ज़्यादा लोड उठाने के लिए रेडी नहीं है, और रोड का जो सरफेस होता है ना वो बहुत हार्ड होता है, जिसके कारण आपके डायरेक्ट लेग पे, आपके जॉइंट पे असर पड़ता है, जिसके कारण आपको सीन पेन होता है, नी पेन होता है, एंकल पेन होता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा अवॉइड करना है। जब आप थोड़ा ग्राउंड में रनिंग करके कंफर्टेबल फील करने लगे तो एक दो बार जाके आपको टाइमिंग लेना, टाइमिंग ले लिए, या एक दो बार आप रनिंग करना सप्ते में तो कर लिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। लेकिन एक बात आपको ये भी ध्यान रखना है कि जिनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब कि उनके पास ग्राउंड है ही नहीं, तो आप रोड पे भी रनिंग कीजिए, कोई दिक्कत समस्या नहीं, लेकिन आपको एक अच्छा रनिंग शूज लेना है और ओवरऑल डाइट और जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इन सारी चीज़ पर आपको फोकस करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा सातवां टिप। जब हम बात करते हैं हमारा आठवें टिप्स की ना, तो बहुत सारा नया नया एक्सरसाइज आप यूट्यूब पर देखते होगे, कहीं और जगह देखते होगे, वो एक्सरसाइज अचानक से फॉलो करने लगते हैं, तो आपका बॉडी, आपका मसल्स रेडी नहीं होता, उस एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर पाता है, जिसके कारण आप इंजर्ड हो जाते हैं। तो पहले आप अपना बेसिक फिटनेस को इम्प्रूव कीजिए और उसके बाद ही कोई न्यू एक्सरसाइज है, चाहे ब्रॉड जंप हो, चाहे लंजेज हो, ये सारे एक्सरसाइज बहुत बार अगर आप नहीं किए हैं, ज़रूरी नहीं आपको करना, चाहे लॉन्ग जंप वगैरह कर लेते हैं, चाहे कहीं बॉक्स जंप कर लेते हैं, तो इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए। पहले अपना जनरल फिटनेस को इम्प्रूव कीजिए और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कीजिए। ये हो गया हमारा आठवां टिप्स। जब हम बात करते हैं हमारे नौवें टिप्स की ना, वह यह है कि आपको डेली एक ही चीज़ भी नहीं करना है। शुरू के 8-10 दिन आप अपना जनरल फिटनेस पे दीजिए, 5-10 राउंड दौड़िए, अगर उतना भी नहीं होता तो धीरे धीरे। देखिए, ट्रेनिंग हर एक लेवल, हर एक लड़की का लेवल अलग है, तो उसके हिसाब से मैं हर एक लड़की के ऊपर वीडियो तो नहीं बना सकता है। आपको जो चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ वो समझिए, अपने क्षमता को पहचानिए। आप शुरू का 5-7-8-10 दिन लंबा रनिंग कीजिए, स्ट्राइड कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, और धीरे धीरे आप जो है एक अच्छा वर्कआउट शेड्यूल में अपने आप को इन्वॉल्व कीजिए। डेली एक ही चीज़ नहीं करना है, डिफरेंट चीज़ करना है। कभी आप रेपिटेशन लगा लिए, कभी आप स्टैंड ट्रेनिंग कर लिए, कभी आप हिल वर्कआउट कर लिए, ठीक है, कहीं आप हिल मिल गया, पहाड़ वाड़ मिल गया तो वो कर लिए, कभी आप पेट के एक्सरसाइज कर लिए, कभी आप ओवरऑल जो आपका कार्डियोवास्कुलर इंडोरेंस उस पर हिट किए, कभी आप फाटलेग ट्रेनिंग कर लिए, कभी आप टेम्पो रनिंग कर लिए, तो ये चीज़ें पर आपको फोकस करना है। क्या करना है कि डेली एक ही चीज़ नहीं करना है, कभी ABC एक्सरसाइज कर लिए, ठीक है, बहुत सारा ट्रेनिंग है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन डेली आप एक ही चीज़ करोगे तो आपका स्पीड ब्लॉक हो जाएगा और आपका इंजरी का संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये टिप्स को आपको समझना है, ये हो गया हमारा नौवा टिप्स। दोस्तों, जब हम बात करते हैं हमारे दसवें टिप्स की ना, तो वह यह है, आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मोटिवेशन, कंसिस्टेंट, कंटिन्यूटी और मेंटल टफनेस, ठीक है, ये ज़रूर आपके अंदर होना चाहिए। आपको शुरू में पेन ज़रूर होगा, पेन नहीं होगा तो आपका जो गोल वो अचीव नहीं हो सकता है। अगर आप भले ही कोई और स्पोर्ट्स में पहले से हो और आप रनिंग करके आप SSCED का जो गोल है उसको अचीव करना चाहते हो, 1600 मीटर 8:30 में या फिर 8 मिनट में ही करना चाहते हो तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप डायरेक्ट स्पोर्ट्स में आते हो, नए हो, बिगिनर्स हो, तो पेन होगा, घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप रुक जाओगे तो आपका कहानी वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसके साथ कंसिस्टेंट धीरे धीरे लगे रहोगे तो आपको गोल ज़रूर मिलेगा। इसीलिए मेंटल टफनेस, स्पोर्ट्स जो है, रनिंग खास करके, सभी गेम की माँ होती है, तो इसमें आपको थोड़ा वक्त लगता है, पेन होगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है, इलाज कीजिए, धीरे धीरे आप कंटिन्यू लगे रहिए। ये हो गया हमारा दसवां टिप्स। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंट वर्क और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ग्राउंड में हर दिन आइए, सप्ते में एक दिन रेस्ट भी कीजिए, 7 दिन होता है, आप हमारे यहाँ संडे को रेस्ट है, जैसे कि अभी संडे आज, तो मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, अभी जो हमारे एकेडमी के बच्चे देखिए क्रिकेट खेल रहे हैं सभी तरफ, ठीक है, तो आपको भी इसी चीज़ पर फोकस करना है कि अपने आप को मोटिवेट रखना है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग रखना है, कंटिन्यूटी बरकरार रखना है। पेन होगा, दर्द होगा, उसको सहना और धीरे धीरे वर्कआउट करना। और बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो ऐसा नहीं कि उसको बहुत ज़्यादा पेन में आप वर्कआउट करते जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, आप जो डॉक्टर बताता है वो चीज़ फॉलो करो, ठीक है। ये हो गया हमारा दसवां टिप्स, आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, मोटिवेशन, अपने आप को मोटिवेट करते रहना है, कंटिन्यूटी बरकरार रखना है। आप चाहे मुझे भाई मानते हो, चाहे दोस्त मानते हो, चाहे आप छोटा भाई बड़ा भाई कुछ भी मानते हो, ठीक है, चाहे गुरु मानते हो, चाहे कोच मानते हो, उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि ये जो सारा टिप्स है ना आपको फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लास्ट में जो मेन चीज़ है वो है डाइट और रेस्ट। आप वर्कआउट तो कर ले रहे हो लेकिन अच्छा से आप डाइट नहीं ले रहे हो और रेस्ट नहीं ले रहे हो तो आपको दिक्कत समस्या होगी। आप वर्कआउट से सिर्फ कोशिश करो कि आप रेस्ट नहीं कर रहे हो और डाइट
नहीं ले रहे हो तो आपका जो गोल है वो अचीव हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं होने वाला है। मुझे पता है कि बहुत सारी जो मेरी बहनें हैं, ठीक है, वो उनको घर में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता होगा, तो आप रात में कम से कम 7 घंटा सोइए और आप दिन भर भी काम कीजिएगा और इन सारा वर्कआउट को फॉलो कीजिएगा। इस टाइप का वर्कआउट को कोई दिक्कत समस्या होने वाला है नहीं। तो लास्ट में एक क्वेश्चन जो आपसे मैं पूछने वाला था, 2-3 क्वेश्चन ये है कि अगर आपको वर्कआउट चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा, अगर लगेगा कि डिमांडेड है, ठीक है। और इस वीडियो के रिस्पॉन्स से ही मुझे पता चल जाएगा कि मैंने अभी तक गर्ल्स के ऊपर वीडियो तो नहीं बनाया था, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कॉल, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था। तो अगर आपको डिमांड है, आपको लगता है कि मुझे SSCED गर्ल्स से रिलेटेड वीडियो बनाना चाहिए कि हर एक चीज़ को समझा के लेवल बाय लेवल, तो ज़रूर बनाऊँगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दूसरा चीज़, आपका क्या आंसर की में क्या नंबर आया, ठीक है, आप कहाँ से हैं ये ज़रूर बताइएगा। और तीसरा चीज़, अगर आपको किसी चीज़ की दिक्कत समस्या है तो मेरा इंस्टाग्राम अंकित राणा, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको एक दिन में रिप्लाई मिल जाएगा, लेकिन 2-4-5 दिन में रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा, और फ्री होगा तो एक दिन में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सारे टिप्स को फॉलो कीजिए और अच्छे से फॉलो कीजिए सारा चीज़ के ऊपर। अगर आपको किसी और भी चीज़ से रिलेटेड दिक्कत है, तो कोई भी पेन हो, तो उससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, आप जाके मेरा नाम सर्च मार लीजिएगा, जैसे नी पेन बाय अंकित रनर, सीन पेन बाय अंकित रनर, तो आपको, या फिर स्टोमच पेन, पेट दर्द देता है, या ब्रेथिंग टेक्निक, सांस फूलता है, तो सबके बाद मेरा नाम लिख दीजिएगा अंकित रनर, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपको नेक्स्ट वीडियो का डिमांड है, किस टॉपिक वीडियो चाहते हो गर्ल्स से रिलेटेड, तो वो भी कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, लव यू ऑल, थैंक यू।